बात करेंगे गुजरात में प्रचार करने गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो कि सोमवार को गुजरात पुलिस से उलझ गए। दरअसल केजरीवाल ऑटो से उस ड्राइवर के घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें नहीं जाने दिया। इसको लेकर केजरीवाल और पुलिस के बीच जमकर हंगामा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दो दिन के लिए गुजरात में हैं। सीधे आम आदमी से जोड़ने और उसके बीच जाने की कोशिश में सोमवार को दौरे के पहले दिन केजरीवाल गुजरात पुलिस से उलझ गए। एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को खाने पर बुलाया था और केजरीवाल बिना सिक्योरिटी के ऑटो में सवार होकर जाना चाहते थे। गुजरात पुलिस ने रोका तो केजरीवाल बरस पड़े। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें, आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सब कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर, मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में। पहले खुद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाले केजरीवाल इस बार कहते दिखे कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। गुजरात पुलिस के सिक्योरिटी नकारने और बहस को लेकर बीजेपी ने कहा कि ये सब ड्रामा है। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। एक तरफ तो आप विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर आप कहते हो कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब अहमदाबाद की पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी, आपने जानबूझकर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आपने मना कर दी। इससे पहले अपनी टाउन हॉल मीटिंग में केजरीवाल ने ऑटो वालों से मुलाकात की और उनसे कुछ वादे किए। केजरीवाल ने ऑटो चालकों से संवाद के बाद अहमदाबाद में ऑटो कैंपेन लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल और गुजरात आपके नेताओं की फोटो वाले पोस्टर पर एक मौका केजरीवाल को लिखा है। बाद में एक ऑटो वाले के घर जाकर खाना भी खाया। ऑटो वालों के बाद केजरीवाल गुजरात के वकीलों से भी मिले। अपने दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करने वाले हैं। करप्शन से मुक्ति को लेकर वो एक गारंटी भी दे सकते हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गोपी घांघर, आज तक।